हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा। जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा, और इतनी कला कारीगरी से भरपूर है। और दूसरा एक मेन चीज़ ये है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी, वो एक सबसे बड़ी बात है। कि भाई जैसे सोमनाथ मंदिर उसी जगह पे जमुना मूर्ति टूटी थी वहीं रखा गया, ऐसे ये जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहीं मूर्ति रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सोमपुर साहब बताइए, अभी आजकल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कई जगह भूकंप के है, तो ये मंदिर में मतलब ऐसा कोई प्रावधान क्या है कि भूकंप का उसको मतलब? हाँ, इसमें हम लोगों ने जब मंदिर शुरू किया तो ये सोचा गया कि क्या हुआ जाए। IIT रुड़की की तरफ से इसका एक सर्वे किया गया कि ये आपने जो प्लान बनाया है वो कितने साल टिकेगा। तो इसमें ट्रस्ट ने कहा कि भाई हमको 1000 साल से ऊपर चाहिए, तो उन्होंने 2500 साल मंदिर टिकेगा ऐसा करके एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज आपको डिज़ाइन में करना पड़ेगा, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा। तो हमने जो उसने कहा वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने चेंज कर दिया डिज़ाइन में। कोई पिलर बड़ा करना था, किसी को कुछ करना इधर उधर था, वो करके दिया। तो अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कुछ खासियत है? और खासियत तो मैंने कहा बस ये राम जी का जन्मस्थली का मंदिर है, 5 मंडप है, ये इतना लंबा चौड़ा है, इसमें जो इसका प्रदक्षिणा जो आप लोअर प्लिंथ में घूमेंगे जहाँ जिसको जगती कहे थे, वहाँ पूरी रामायण भगवान का जन्म से लेके अंत तक पूरी रामायण लिखी जाएगी। और कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में सनातन धर्म का जब जो टेबलोज है वो सब लिख करा मतलब उत्कीर्ण किया जाएगा, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। 500 साल की बात है, उसमें आपको आर्किटेक्ट की डिज़ाइन मिले, क्या कहेंगे आप ये क्षण को? 500 साल का संघर्ष है, और मैं करीब इससे 35 साल से जुड़ा हूँ, जब से अशोक जी सिंगल थे तो मुझे ले गए थे, तब से मैं इसमें इसके साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे तो एक गर्व की बात है कि दादाजी ने सोमनाथ मंदिर बनाया, जीर्णोद्धार किया, हमने रामलला का मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो एक गर्व लगता है कि भाई नहीं, हमने हमारे परिवार ने जो 15 पीढ़ी से जो काम कर रहे हैं उसमें एक हमको एक आनंद का विषय है कि हम लोग कर सकेंगे।